9 साल पहले बिलावर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाया गया था। क्लब एमपीलैड फंड से बनाया गया था। 7.67 लाख की अमाउंट भी इस क्लब को बनाने में लगाई गई। आप देख सकते हैं कि 10/10/2011 को ये क्लब बनकर कंप्लीट हो गया था और ये है वो क्लब जिसे बनाने में 7.67 लाख रुपीस लगे हैं और ये 9 साल में इसकी क्या हालत हो गई है वो भी आप देखें। हम पहले नहीं हैं जो इस क्लब की स्टोरी कर रहे हैं, हमसे पहले भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस क्लब की स्टोरी करते हुए ही सीनियर जर्नलिस्ट बन गए, लेकिन इस क्लब की हालत आज भी वैसी है। क्लब के अंदर आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर बहुत अच्छा लगा हुआ है, फ्लैक्स बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन अंदर कितनी स्वच्छता है वो भी आप देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको ये प्रांगण दिखाना चाहूँगी कि इस क्लब के प्रांगण में टूटे हुए शेड्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, तारें पड़ी हैं, लकड़ी जलाई हुई है, कूड़ा पड़ा है। ये हालत है उस सीनियर सिटीज़न क्लब के बाहर की, जिसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन का फ्लैक्स लगा हुआ है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि ये है इस क्लब के बिल्कुल साथ नाली है, काफ़ी सूखी पड़ी है, यानी यहाँ इस क्लब का इस्तेमाल काफ़ी सालों से नहीं हुआ है। यहाँ के आसपास रहने वाले लोकल से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जब ये क्लब बनाया गया था उसके बाद से ही इसकी छत से पानी टपकना शुरू हो गया, यानी कि पैसा लगाने के बावजूद भी, लगभग 8 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी ये क्लब ऐसा बना कि इसकी छत से पानी टपकना शुरू हो गया और उसके बाद से ये क्लब किसी यूज़ में आया ही नहीं। अगर किसी यूज़ में आया तो वह यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने शराब पीने के लिए इसे एक अड्डा बना लिया, अड्डा ज़रूर बना लिया, लेकिन बिलावर में रहने वाले बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आके बैठते, यहाँ पर आके एक दूसरे से बात करते, यहाँ पर आते ये पॉसिबल नहीं हो पाया। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि रास्ता जो इस सीनियर सिटीज़न क्लब की ओर जाता है उस रास्ते का क्या हाल है वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि एंट्री देखें कि ये सड़क की क्या हालत है, क्या इस सड़क पर चलकर कोई भी बुज़ुर्ग इस सीनियर सिटीज़न क्लब तक पहुँच सकता। और ये हाल था 2011 जब कांग्रेस की सरकार थी, 2011 जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी के भी 5 साल गुजर गए, उसके बाद बीजेपी का दूसरा टेन्योर भी आ गया और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस क्लब के बाहर की। सीढ़ियां तक इस क्लब तक पहुंचने के लिए नहीं है, आखिर कोई इस क्लब में आएगा तो आएगा कैसे। एंट्री आप देख सकते हैं कि एंट्री का क्या हाल है, ये है एंट्री। ऑफिस ऑफ म्युनिसिपल कमेटी बिलावर भी बिल्कुल साथ ही में है, उसके शुरुआत में ही आपको ये क्लब देखने को मिलता है। क्लब में पुराने ड्रम ज़रूर पड़े हुए हैं जिनके अंदर पानी भर गया है और कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया उस समय चौधरी लाल सिंह MP थे, उसके बाद 2 टर्म्स अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये सीनियर सिटीज़न क्लब जैसा था वैसा ही है और इसके दरवाजे कभी यहाँ के रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं खुले। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर में कई नई डेवलपमेंट्स हो गई, जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई, 5 साल उसके भी पूरे हो गए, दोबारा से बीजेपी की सरकार का टेन्योर आया और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद ये सीनियर सिटीज़न क्लब कभी फंक्शनल नहीं हो पाया।